जैसे ही एरिक स्नो व्हाइट के पास आकर रोने लगता है और रोते हुए उसे किस करता है, तभी स्नो व्हाइट की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहले उसे विलियम किस करता है तो एक आंसू स्नो व्हाइट को तब आता है और एक आंसू उसे एरिक के किस करने पर आता है। एरिक और विलियम दोनों का स्नो व्हाइट के प्रति प्यार सच्चा होता है, इसलिए जादूगरनी का जादू स्नो व्हाइट पे से खत्म हो जाता है। स्नो व्हाइट विलियम और उसकी प्रजा से कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो जादूगरनी को मार सकती हूँ और हम कल ही उनके महल पर हमला करेंगे। विलियम और उसकी सेना भी महल में रानी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन स्नो व्हाइट और उसकी सेना जादूगरनी रेबीना पर अटैक करने के लिए महल में पहुंच जाती है। यहाँ पर स्नो व्हाइट को जादूगरनी रेबीना भी मिल जाती है, जो कि अब फिर से पहले की तरह जवान हो चुकी है क्योंकि उसने बहुत सी जवान और खूबसूरत लड़कियों की बलि दी है। रानी और स्नो व्हाइट की बहुत जोर से फाइट होती है, जिसमें स्नो व्हाइट रेबीना के सामने टिक ही नहीं पाती और रेबीना गुस्से में आग के ऊपर खड़ी होते हुए स्नो व्हाइट से कहती है कि तुम मुझे और मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानती, तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मैंने कितनी जिंदगियां जी है और अब मैं तुम्हारा दिल निकालकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। क्या स्नो व्हाइट रेबीना को मार पाएगी? नेक्स्ट पार्ट आपके होश उड़ा देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब